तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप नोटिस पीरियड कैसे बाय कर सकते हो। जी हाँ, नोटिस पीरियड भी बाय करने का ऑप्शन होता है जो कि हिडन होता है, कंपनी आपको बताती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें दो तरीके होते हैं बाय करने के। हो सकता है आपको फ्री में भी बाय हो जाए, वो परचेज कर सकते हो, तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज ना, मैं बोलूँगा कि जितनी भी एमएनसीज कंपनी हैं, वो 90% एमएनसीज कंपनी में क्या हो गया कि नोटिस पीरियड 3 मंथ का हो गया। अगर 3 मंथ का नहीं है तो 2 महीने का तो आपका नोटिस पीरियड मिल ही जाएगा। और आप जब कंपनी स्विच करते हो, जब आप दूसरी जॉब ढूंढते हो, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी वो एग्री नहीं करती हैं। जो कंपनी नेक्स्ट वाली होती है ना, वो बोलती है कि नहीं नहीं यार, आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड हम उतना वेट नहीं कर सकते। नहीं यार, आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, हम उतना वेट नहीं कर सकते। कंपनी सोचती नहीं यार, उनका खुद का नोटिस पीरियड 3 महीने का होगा, लेकिन ये एम्प्लॉय को बोलती है कि नहीं, आके 15 दिन में ज्वाइन कर लो, 10 दिन में ज्वाइन कर लो, कैसे पॉसिबल है। बट एक ऑप्शन है, होता है यहाँ पे एम्प्लॉय के पास में। तो फॉर सपोज, अगर आपका, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ, 3 महीने का नोटिस पीरियड है करंट कंपनी, और नेक्स्ट कंपनी आपको बोल रही कि 15 दिन में आप आ जाओ, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो उस केस में एक पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखो क्या, कि जो नोटिस पीरियड होता है ना, उस नोटिस पीरियड को आप बाई कर सकते हो, उस नोटिस पीरियड को आप परचेस कर सकते हो, फिर आपको नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो नोटिस पीरियड परचेस होता है ना, वो आपकी बेसिक सैलरी का 3 मंथ्स का होता है। देखो, एक कंपनी में रूल होता है, शायद आपने सुना होगा, कि अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में कंपनी अगर आपको इंस्टेंट टर्मिनेट कर रही है या फायर कर रही है, और वो कंपनी बोलती है कि आप कल से आना ही मत, तो उनके रूल में जितने मंथ का नोटिस पीरियड होगा ना, अगर कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का अगर नोटिस पीरियड हो, तो कंपनी आपको बेसिक सैलरी का, जो बेसिक सैलरी होगा उसका 3 मंथ का पे आउट करेगा और बोल देगा कल से मत आना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है मेरे दोस्त की, अगर आपको नोटिस पीरियड परचेस करना है, तो आपको बेसिक सैलरी जो आपकी होगी, बेसिक सैलरी उसका आप 3 मंथ्स का टोटल कैलकुलेट करोगे, उतना कंपनी को आपको पे करना होगा, और आप नोटिस पीरियड बाई कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केस में लोग क्या करते हैं, और यही करना भी चाहिए, तो जो कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे होते हो, जहाँ पे आप स्विच कर रहे होते हो ना, तो वो जो नोटिस पीरियड का अमाउंट होता है, जो नोटिस पीरियड होता है, वो आपकी नेक्स्ट कंपनी खरीदती है प्रीवियस कंपनी से। मोस्टली यही होता है, बट हो सकता है 2-4-5-10% के केस में ये ना होता हो, बट 90% केस में यही होता है कि जहाँ पे आप स्विच कर रहे हो, तो वो टोटल अमाउंट जो आपके नोटिस पीरियड का होता है ना, वो कंपनी आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को पेड करती है। बट कंपनी यहाँ पे भी गेम खेलती है, वो क्या करती हैं, जो नेक्स्ट कंपनी ना आपका नोटिस पीरियड का जो पैसा दे रही है प्रीवियस कंपनी को खरीदने के लिए, कि आपका नोटिस पीरियड जो खरीद रही है, तो उसमें क्या करते हैं वो, कि आपसे फिर बॉन्ड या अग्रीमेंट पे साइन कराती हैं कि भैया आप 6 महीने तो रुकोगे, 1 साल तक तो आप रुकोगे ही। हो सकता है आपका नोटिस पीरियड उन्होंने खरीदा और आप 4 महीने के बाद वहाँ से छोड़ के चल दिए, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भैया आप रुकोगे। तो हो सकता है 6 महीने के या 1 साल का आपके पास जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस पर हो सकता है वो 6 मंथ का, 1 साल का, या 1.5 साल या 2 साल का एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करा लें कि यहाँ आपके छोड़ छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये दोनों तरीके होते हैं, ये 100% जरूरी नहीं है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही है, वो चाहे 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, आप कंपनी से नोटिस पीरियड बाई कर सकते हो, कंपनी से नोटिस पीरियड परचेस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। तो मतलब ग्रॉस सैलरी का जो बेसिक होगा ना, उससे आप अपना नोटिस पीरियड बाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी कंपनी में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।